हेलो दोस्तों, स्वागत है आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 9 हिंदी गद्य का पहला चैप्टर यानी कि प्रताप नारायण मिश्र द्वारा लिखित चैप्टर बात का हम प्रत्येक प्रश्न अभ्यास करने वाले हैं। इसमें जितने भी गद्यांश दिए गए हैं उसको अच्छे तरीके से सॉल्व करने वाले हैं। साथ ही हम आपको प्रत्येक क्वेश्चन को अपने नोट्स में लिख करके दिखाने वाले हैं कि अगर एग्जाम में वो गद्यांश आ जाएगा तो किस तरीके से उसे आपको हल करना है। तो बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले नोट्स को अलग रख देते हैं, पहले हम आपको बुक में समझाएंगे, फिर उसको नोट्स में दिखाएंगे कि आपको किस तरीके से एग्जाम में लिखना है, ठीक है ना। तो आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है और चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। तो यहाँ पर देखो, पहला गद्यांश क्या है। अभी तक आपने पाठ भी नहीं पढ़ा है तो कोई ज़रूरी नहीं है पाठ पढ़ना, ठीक है ना। आप इन क्वेश्चंस को हल कर लेंगे तब आपको पाठ पढ़ने की कोई भी ज़रूरत पड़ने वाली नहीं है, ठीक है ना। चलो देखते हैं, यहाँ पर देखो पहला गद्यांश क्या दिया गया है। यदि हम वैद्य होते तो कफ और पित्त के सहवर्ती बात की व्याख्या करते तथा भूगोल वेत्ता होते तो किसी देश के जल बात का वर्णन करते, किंतु दोनों विषयों में से हमें एक बात कहने का भी प्रयोजन नहीं है। हम तो केवल उसी बात के ऊपर दो चार बातें लिखते हैं जो हमारे तुम्हारे संभाषण के समय मुख से निकल निकल कर परस्पर हृदयस्थ भाव को प्रकाशित करती रहती हैं। यानी कि यहाँ पर प्रताप नारायण मिश्र जी क्या कहते हैं, देखो यहाँ से यहाँ तक रेखांकित अंश दिया गया है, ओके। अब इसके नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, ऐसे ही आपको एग्जाम में दिए जाएंगे। यहाँ पर 5 क्वेश्चन हैं लेकिन एग्जाम में आपको केवल 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो अब बात आती है भाई, अगर एग्जाम में ये पूरा गद्यांश आपके पेपर में आ गया तब सबसे पहले आपको करना क्या है। देखो, सबसे पहले आपको शुरू के 2-3 शब्द इसके लिख देना है, उसके बाद अंतिम के 2-3 शब्द लिख देना है ऐसे, उसके बाद डैश डैश कर देना है। इससे एग्जामिनर समझ जाएगा कि हाँ भाई आपने किस गद्यांश को सॉल्व किया है, क्योंकि एक गद्यांश नहीं रहता, 2 गद्यांश अथवा में करके आते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे आपको कर देना है। उसके बाद देखो पहला क्वेश्चन है, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ आपको कैसे लिखना है, यहाँ पर पहला ऑप्शन डाल देंगे और संदर्भ हेडिंग डाल देंगे, ठीक है ना, और लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित बात नामक पाठ से अवतरित है जिसके लेखक प्रताप नारायण मिश्र जी हैं। ऐसे ही आपको संदर्भ लिखना है, ओके। अब इसका देखो क्या करना है, जितने भी गद्यांश आगे आएंगे इस चैप्टर में उसके प्रत्येक में संदर्भ पूछा जाएगा और प्रत्येक में सेम यही आंसर आपको लिखना है, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन आएंगे सबका संदर्भ सेम रहेगा। तो इसका स्क्रीनशॉट आप जरूर ले लीजिए, ठीक है ना। उसके बाद देखो यहाँ पर रेखांकित अंश की व्याख्या आपसे पूछा जाएगा। तो रेखांकित अंश की व्याख्या का मतलब ये है कि पूरे गद्यांश में जहाँ पर लाइन खींची गई है जहाँ पर, वहाँ तक की व्याख्या आपको बताना है। तो देखो नीचे नीचे लाइन खींची गई है, यहाँ तक लिखते हैं। तो देखो यहाँ पर लेखक कहना क्या चाहते हैं कि यदि हम वैद्य होते यानी अगर हम डॉक्टर होते तो कफ, कफ और पित्त, कफ और पित्त रोग होते हैं, ठीक है ना। तो किसी रोग जैसे कफ और पित्त के सहवर्ती बात यानी से संबंधित बात की व्याख्या करते, यानी हम अगर डॉक्टर होते तो कफ और पित्त रोगों जैसे रोगों से संबंधित बातों की व्याख्या करते तथा भूगोल वेत्ता होते यानी अगर हम भूगोल के विशेषज्ञ होते, भूगोल के जानकार होते, भूगोल के ज्ञानी होते तो किसी देश की जलवायु, जलवात मतलब जलवायु का वर्णन करते, किंतु दोनों विषयों में से हमें एक बात कहने का भी प्रयोजन नहीं है। किंतु दोनों विषयों में से यानी कि डॉक्टर और यहाँ पर भूगोलवेत्ता, दोनों भी विषयों में से हमें किसी भी विषय में कोई भी बात कहने का अवसर नहीं है। क्यों नहीं है भाई, क्योंकि हम तो लेखक हैं, ठीक है ना। हम भूगोलवेत्ता नहीं है ना, तो हम डॉक्टर हैं, तो हम कोई भी चीज़ें नहीं कह सकते, इनमें बात कहने का हमारा कोई अवसर, कोई भी फर्ज नहीं बनता, ठीक है ना। हम तो केवल उसी बात के ऊपर 2-4 बातें लिखते हैं जो हमारे तुम्हारे संभाषण के समय मुख से निकल निकल के परस्पर हृदयस्थ भाव को प्रकाशित करती रहती हैं। हम केवल उसी बात को, देखो यहाँ पर यहाँ तक ही केवल पूछी गई है, ठीक है ना, लेकिन यहाँ तक कि मैं आपको बता देता हूँ, यानी कि क्या कहते हैं, हम तो उसी बात के ऊपर कुछ बातें लिखते हैं जब हम आपसे क्या करते रहते हैं, संभाषण मतलब बातचीत के समय जो बातें हमारे मुख से निकल करके हमारे हृदय के भावों को, हृदय के अंदर क्या चल रहा है उसको व्यक्त करती हैं, उन्हीं के ऊपर हम 2-4 बातें लिखते हैं क्योंकि हम लेखक हैं, ओके। अब इसकी व्याख्या कैसे लिखेंगे वो चीज़ एग्जाम में आपको बताते हैं कैसे लिखना है। देखो हेडिंग डाल देना है रेखांकित अंश की व्याख्या, ठीक है ना। लेखक कल्पना करते हुए कहते हैं कि यदि मैं वैद्यराज होता तो किसी रोग जैसे पित्त और उससे संबंधित विषयों पर बात करता, ओके। अब यदि मैं भूगोल का ज्ञाता होता तो किसी देश की जलवायु और प्राकृतिक विषयों पर बात करता, परंतु लेखक कहता है कि दोनों विषयों में बात कहने का हमारा कोई फर्ज नहीं है।
हम लोग उसी विषय पर बात लिखते अथवा करते हैं जो हृदय की भावनाओं को वाणी के माध्यम से प्रकाशित करती हैं। ओके, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ऐसे ही आपको एग्जाम में सेम टू सेम लिखना है, कोई भी बदलाव नहीं करना है। फिर एक दो शब्द आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मार्क्स नहीं कटेंगे, ठीक है ना। अगला देखो, हम अपने हृदयस्थ भावों की अभिव्यक्ति किसके माध्यम से करते हैं? तो देखो, हम अपने हृदयस्थ भावों की अभिव्यक्ति बात के ही माध्यम से करते हैं, एक दूसरे से अपने हृदय के भाव बात के ही माध्यम से बताते हैं। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन डाल देंगे, हम अपने हृदयस्थ भावों की अभिव्यक्ति बात के माध्यम से करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, भूगोलवेत्ता किसका अध्ययन करता है? तो भूगोलवेत्ता किसी देश के जलवात का अध्ययन करता है ना। तो इसको कैसे लिखेंगे? देखो ये भूगोलवेत्ता, इसको सही कर लीजिएगा, ठीक है ना, बीच में ला नहीं लगा हुए लगा लीजिएगा। ओके, भूगोलवेत्ता किसी देश के जलवात का वर्णन करता है, जलवात का। उसके बाद देखो, वैद्य किस बात का वर्णन करता है? तो यहाँ पर देखो, वैद्य कफ और पित्त के सहवर्ती बात की व्याख्या करता है, ठीक है ना, सहवर्ती बात की व्याख्या करता है। इस तरीके से आपको लिखना है। और चलिए चलते हैं अब हम दूसरे गद्यांश पर, जो कि आप सभी को दिख रहा होगा स्क्रीन में, ठीक ना। तो यहाँ पर देखो क्या है, जब परमेश्वर तक बात का प्रभाव पहुँचा हुआ है तो हमारी कौन बात रही? हम लोगों के तो गात माही बात कारामात है, नाना शास्त्र पुराण इतिहास काव्य कोश इत्यादि सब बात ही के फैलाव हैं, जिनके मध्य एक एक बात ऐसी पाई जाती है जो मन बुद्धि चित्त को अपूर्व दशा में ले जाने वाली, अथच लोक परलोक में सब बात बनाने वाली है। यद्यपि बात का कोई रूप नहीं बतला सकता कि कैसी है, पर बुद्धि दौड़ाइए तो ईश्वर की भांति भी अगणित है। यानी बात जो है, अगर आप लोग दिमाग लगाएं तो ईश्वर की भांति बात के भी कई प्रकार हैं, ठीक है ना। बड़ी बात, छोटी बात, सीधी बात, खोटी बात, टेढ़ी बात, मीठी बात, कड़वी बात, भली बात, बुरी बात, सुहाती बात, लगती बात, इत्यादि सब बात ही तो हैं, यानी सब बात के प्रकार हैं। अब देखो इसके नीचे क्या क्वेश्चन दिया गया है, उपर्युक्त गद्यांश के शीर्षक एवं लेखक का नाम लिखिए, मतलब आपसे संदर्भ पूछा जा रहा है। तो आपको करना क्या है, देखो चलिए मैं नोट्स में आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले आपको शुरू में लिख देना है जब परमेश्वर, यानी शुरू के दो शब्द, उसके बाद बात ही तो है, ओके, अंतिम के दो शब्द, जैसे यहाँ पर देखें बात ही तो है, ऐसे लिख के डैश डैश लगा देना है। अब संदर्भ देखो पूर्वत है, इसका मतलब क्या है, जो पिछले गद्यांश में मैंने बताया है सेम वही संदर्भ आप लोग यहाँ पर लिख दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। जो पिछले गद्यांश में मैंने आपको बताया है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य में संकलित बात नामक पाठ से अवतरित है, जिसके लेखक पंडित प्रताप नारायण मिश्र जी हैं, ऐसे आपको लिखना है। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है, रेखांकित अंशों की व्याख्या करो। तो यहाँ पर अगर आप लोग ध्यान से ज़रा देखें तो यहाँ पर दो रेखांकित अंश हैं, कहाँ से कहाँ तक मैं आपको नोट्स में यहाँ पर दिखाता हूँ बुक में। एक देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक रेखांकित अंश है, दूसरा यहाँ से लेकर के अंत तक है, ठीक है ना, दो रेखांकित अंश हैं। तो यहाँ पर हम रेखांकित अंश की व्याख्या दो हेडिंग्स में लिखेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर हम हेडिंग डाल देंगे रेखांकित अंशों की व्याख्या, उसके बाद लिख देंगे प्रथम, यानी कि पहले रेखांकित अंश की व्याख्या। तो ऐसे ही एग्जाम में भी आपको करना है, ठीक है ना। अगर दो तीन रेखांकित अंश रहेंगे तो प्रथम द्वितीय तृतीय लिख करके आपको वर्णन करना है। देखो अब पहला रेखांकित अंश, जब परमेश्वर तक बात का प्रभाव पहुंचा हुआ है तो हमारी कौन बात रही। लेखक ये कहते हैं कि भाई परमात्मा को निराकार माना गया है, भगवान को निराकार माना गया है, जिसका कोई आकार नहीं है, और जो निराकार व्यक्ति है अगर उसके पास तक भी बात का प्रभाव पहुंचा हुआ है तो हमारी कौन बात रही। यार हम लोग तो साधारण आदमी हैं, सज्जन आदमी हैं, फिर हम शरीरधारी हैं, तो हमारे ऊपर तो बात का प्रभाव पड़ेगा ही, ठीक है ना। जब निराकार ब्रह्म के ऊपर, निराकार भगवान के ऊपर बात का इफेक्ट अगर पड़ रहा है तो भाई हमारी कौन बात रही। ये लेखक कहते हैं कि भाई हमारी क्या बात करनी, हमारे पास तो आम है, यानी कि ये तो सिंपल सी बात है कि हमारे अंदर भी बात का प्रभाव पड़ेगा, ठीक ना। तो इसको लिखेंगे कैसे, देखो यहाँ पर रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग डाल देंगे प्रथम, यहाँ पर लिखेंगे लेखक कहते हैं कि बात का प्रभाव केवल मनुष्य तक ही सीमित नहीं, परमेश्वर तक भी इसके प्रभाव से बच नहीं पाए। लेखक यही कहते हैं कि भाई बात का इफेक्ट केवल मनुष्य तक नहीं है, भगवान भी इसके प्रभाव से नहीं बच पाए। अर्थात जब निराकार ब्रह्म पर भी बात का प्रभाव होता है तो फिर हम शरीरधारी मनुष्यों का तो कहना ही क्या है, ओके। यानी कि हमारे ऊपर तो भाई आम सी बात है कि बात का प्रभाव पड़ेगा। अगला देखो दूसरा रेखांकित अंश, यद्यपि बात का कोई रूप नहीं बतला सकता कि कैसी है। यानी लेखक कहते हैं कि भाई बात का कोई रूप वर्णन नहीं कर सकता कि किस प्रकार की बात है, ठीक है ना, पर बुद्धि दौड़ाइए, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो ईश्वर की भांति इसके भी अगणित रूप ही पाइएगा।
यानी कि दोस्तों भगवान के जिस प्रकार अनंत रूप होते हैं, इसी प्रकार आप बात के भी कई रूप पाएंगे। जैसे बड़ी बात हो गई, छोटी बात हो गई, सीधी बात हो गई, खोटी बात हो गई, टेढ़ी बात हो गई, मीठी बात हो गई, कड़वी बात हो गई, भली बात, बुरी बात, सुहाती बात यानी अच्छी लगने वाली बात, और लगती बात यानी दिल को बुरी लगने वाली बात, ठीक ना, इत्यादि सब बात ही तो हैं। ये सब बात के ही तो प्रकार हैं, यानी कि बात के कई प्रकारों का यहाँ पर लेखक ने वर्णन किया है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले मित्रों आपको यहाँ पर डाल देना है द्वितीय, ठीक है ना। पहले तो आपने रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग डाल ही दिया, उसके बाद आपको यहाँ पर द्वितीय डाल देना है, ठीक है ना। और फिर कैसे लिखना है, लेखक कहता है कि बात का रूप रंग नहीं होता, परंतु यदि बुद्धि से विचार करके देखा जाए तो हम बात के भी अनेक रूप पाएंगे। जैसे बड़ी बात, छोटी बात, सीधी बात, टेढ़ी बात, मीठी, कड़वी, भली, बुरी, सुहाती और लगती बात आदि, कैसी भी हो ये सब बात के ही तो रूप हैं, ऐसे आपको लिखना है। स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है ना। चलो देखते हैं भाई अगला क्वेश्चन। गात माही बात करा मात है, यहाँ पर देखो एक आपको इसमें क्या मिला है, मुहावरा मिला है इस वाले गद्यांश में। तो गात माही बात करा मात है, इसका मतलब क्या है, जैसे आप लोग यहाँ पर देखें हैं गद्यांश में, तो यहाँ पर देखो आपको मिला है गात माही बात करामात है, तो इसका मतलब क्या है। तो इसको हम तीसरा नंबर क्वेश्चन है, तो यहाँ पर तीसरा नंबर डाल देंगे, ठीक है ना। उसके बाद लिखेंगे देखो, गात माही बात करामात है का तात्पर्य है कि हमारे शरीर में तो बात का ही चमत्कार है, यानी गात यानी शरीर में, माही मतलब में, बात मतलब बात का, करामात है मतलब चमत्कार है, यानी हमारे शरीर में बात का ही चमत्कार है। उसके बाद देखो अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है, हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर, ठीक है ना। देखो यहाँ पर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सी बात चित्त मन और बुद्धि को अपूर्व दिशा की ओर अग्रसर करती है, ठीक है ना। तो इसको देखो कैसे लिखेंगे, यहाँ पर देखो इसका आंसर, नाना शास्त्र, पुराण, इतिहास, काल आदि की बातें, ठीक है ना। नाना शास्त्र, पुराण, इतिहास, काल आदि की बातें चित्त मन और बुद्धि को अपूर्व दिशा की ओर अग्रसर करती हैं। आप लोग अभी पिछले पेज में पढ़े हैं इसी गद्यांश में, ठीक है ना। ये मैं अपने से आंसर नहीं बना रहा हूँ, मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ कैसे आपको मिलेगा। देखो आप लोग यहाँ पर देखें तो नाना शास्त्र, पुराण, इतिहास, काव्यकोश इत्यादि जितने भी बात हैं, ये मन और चित्त को अपूर्व दिशा में ले जाने वाली होती हैं। ओके चलो देखते हैं भाई अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है। देखो अगला क्वेश्चन है, बड़ी बात, छोटी बात एवं सीधी बात मुहावरे का क्या तात्पर्य है। यहाँ पर आप लोग देखे होंगे कई चीज़ें लिखी हुई हैं, तो इसका तात्पर्य क्या है, ठीक ना। तो देखो कैसे लिखेंगे, बड़ी बात, छोटी बात एवं सीधी बात मुहावरे का अभिप्राय बात का स्वरूपगत विभिन्नता को दर्शाना है, यानी कि बात के स्वरूपों के अनुसार अलग अलग विभिन्नता को दर्शाना है। जैसे बड़ी बात हो गई, छोटी बात, सीधी बात हो गई, स्वरूपों के आधार पर अलग अलग प्रकारों को दर्शाया गया है बात के इस मुहावरे के द्वारा। ओके चलो देखते हैं मित्रों अगला गद्यांश। अभी तक कई कंजूस वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे, ठीक है ना, उनको क्या कहना भाई, वो तो कंजूस हैं, कंजूसी करेंगे। गुरु दक्षिणा आपको देना चाहिए भाई, एक लाइक शेयर तो बनता है। ओके चलो देखते हैं यहाँ पर गा नंबर, सच पूछिए तो इस बात की भी क्या ही बात है, जिसके प्रभाव से मानव जाति समस्त जीवधारियों की शिरोमणि यानी अशरफ उल मखलूकात कहलाती है। अब अशरफ उल मखलूकात का क्या मतलब है दोस्तों, ये दूसरे भाषा का शब्द है, ठीक है ना, दूसरे भाषा का, इसलिए ये आपको समझ में नहीं आएगा। और जबकि अशरफ उल मखलूकात का मतलब है शिरोमणि यानी सर्वश्रेष्ठ। ओके शिरोमणि मतलब सर्वश्रेष्ठ कहलाती है। सुख सारिकादि पक्षी केवल थोड़ी सी समझने योग्य बातें उच्चारित कर सकते हैं, इसी से अन्य नभिचारियों की अपेक्षा आदृत, आदृत मतलब सम्मानित समझे जाते हैं, ठीक है ना। फिर कौन न मानेगा कि बात की भी बड़ी बात है, हाँ बात की बात इतनी बड़ी है कि परमात्मा को लोग निराकार कहते हैं तो भी इसका संबंध उसके साथ लगाए रहते हैं। वेद ईश्वर का वचन है, कुरान शरीफ कलामुल्लाह है। देखो कुरान शरीफ कलामुल्लाह है, ये भी दूसरे भाषा का शब्द है, अरबी भाषा का शब्द है, इसलिए इसको समझने में आप लोगों को कठिनाई होगी। और जबकि ये कुछ नहीं लिखा हुआ है, ये वही चीज़ है जो ईश्वर का वचन है, यानी ईश्वर का वचन है, इसी को दूसरे भाषा में कुरान शरीफ कलामुल्लाह है कहते हैं, ठीक है ना। और दूसरे भाषा में होली बाइबिल वर्ड ऑफ गॉड है कहते हैं, यानी ईश्वर के वचन को ही अरबी भाषा में कुरान शरीफ कलामुल्लाह है कहते हैं, और अन्य भाषा में होली बाइबिल वर्ड ऑफ गॉड है कहते हैं। यानी कि ये तीनों चारों चीज़ जो कामा में लगाकर लिखी गई है ना, ये सब सेम है,
वेद जो है इसको भी ईश्वर का वचन कहा गया है, ईश्वर का वचन है, ठीक है ना। ये कुरान शरीफ मतलब ये भी भगवान का वचन है, और होली बाइबिल वर्ड ऑफ गॉड ये भी ईश्वर का वचन है। ये जितनी भी चीज़ें हैं अलग अलग भाषाओं में बात ही के पर्याय हैं, जो प्रत्यक्ष मुख के बिना स्थिति नहीं कर सकती। पर बात की महिमा के अनुरोध से सभी धर्मावलंबियों ने बिन वाणी वक्ता बड़ जोगी वाली बात मान रखी है। यानी प्रताप नारायण मिश्र जी ने बहुत ज़्यादा मुहावरों का उपयोग किया है अपनी लैंग्वेज में, आप लोग देख सकते हो। बिन वाणी वक्ता बड़ जोगी भी यहाँ पर एक मुहावरा है, ठीक है ना। अब इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि बिन वाणी वक्ता बड़ जोगी का मतलब है कि मुख के बिना बात से स्थिति स्पष्ट हो जाना, यानी कि बिना बोले आप क्या करें स्थिति को स्पष्ट कर दें, उसको कहते हैं बिन वाणी वक्ता बड़ जोगी, ठीक है ना। अब देखो उपर्युक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखो, तो भैया संदर्भ ही पूछ रहा है, तो जो पहले गद्यांश में मैंने बताया था सेम वही यहाँ पर लिख लीजिएगा। देखो रेखांकित अंशों की व्याख्या, तो रेखांकित अंश कहाँ से कहाँ तक है आप लोग देखें तो यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है ना। तो इसको कैसे लिखेंगे, देखो लेखक कहते हैं कि भाई फिर कौन न मानेगा कि बात की बड़ी बात है। यानी कि दोस्तों बात का महत्व तो इतना ज़्यादा है कि इन महत्वों को देखकर कौन ऐसा व्यक्ति है जो नहीं मानेगा कि बात की बहुत बड़ी बात है, ठीक है ना। हाँ बात की बात इतनी बड़ी है कि परमात्मा को लोग निराकार कहते हैं। लेखक कहते हैं कि हाँ बात इतना महत्व तो रखता है कि भाई परमात्मा को लोग बिना आकार वाला कहते हैं, फिर भी बात का संबंध परमात्मा के साथ लगाए रहते हैं। वेद हो गया, ईश्वर का वचन हो गया, कुरान शरीफ कलामुल्लाह हो गया, होली बाइबिल वर्ड ऑफ गॉड हो गया, ये सब अन्य भाषाओं में बात ही के पर्यायवाची हैं, ऐसे लिखना है। तो देखो रेखांकित अंश की व्याख्या मित्रों सबसे पहले हेडिंग डाल देंगे, ठीक है ना। फिर मैं आपको बताता हूँ कैसे क्या लिखना है। देखो बात का महत्व तो इतना अधिक है कि कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो बात की महत्ता को स्वीकार नहीं करेगा। यद्यपि लोग भगवान को निराकार मानते हैं किंतु लोग उसे फिर भी श्रेष्ठ उपदेश वक्ता कहकर बात का संबंध उसके साथ जोड़े रहते हैं। सभी वेद हो गया, ये काम यहाँ पर नहीं रहेगा, ठीक है ना। सभी वेद, भगवान के द्वारा कहे गए वचन, कुरान शरीफ कलामुल्लाह तथा होली बाइबिल वर्ड ऑफ गॉड इत्यादि कहावतें सभी बात ही की पर्यायवाची हैं, ओके, जो अलग अलग भाषाओं में बोली जाती हैं। इस तरीके से आपको सेम टू लिखना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसमें काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स को डाउट होता है जबकि ये एकदम सिंपल है। यहाँ पर इन लोगों को कुरान शरीफ कलामुल्लाह होली बाइबिल वर्ड ऑफ गॉड समझ में नहीं आता, जबकि ये अलग अलग भाषाओं में ईश्वर का वचन है, यही शब्द यहाँ पर लिखा हुआ है जो आपको समझने में दिक्कत होती है। अब देखो निराकार परमात्मा का संबंध बात से कैसे है, ओके, तो यहाँ पर इसको कैसे लिखेंगे। देखो हिंदू समाज में वेदों को ईश्वर का वचन कहा जाता है, साथ ही ईश्वर को निराकार कहा जाता है। यानी कि दोस्तों ईश्वर का वचन है वेद, तो यहाँ पर बात का संबंध कैसे हुआ कि भाई बात ही ईश्वर का वचन है, ओके। तो इसी तरीके से आपको लिख देना है, स्क्रीनशॉट ले लो। हिंदू समाज में वेदों को ईश्वर का वचन कहा जाता है, साथ ही ईश्वर को निराकार कहा जाता है, ठीक। उसके बाद देखो मानव जाति समस्त जीवधारियों में क्यों शिरोमणि है, तो यहाँ पर इसका आंसर कैसे लिखेंगे। देखो बात के प्रभाव के कारण मानव जाति सभी जीवधारियों में शिरोमणि है, मतलब सर्वश्रेष्ठ है। अगला देखो बिन वाणी वक्ता बड़ जोगी का क्या अभिप्राय है, ठीक है ना। तो इसको कैसे लिखेंगे, देखो यहाँ पर लिखेंगे बिन वाणी वक्ता बड़ जोगी का अभिप्राय है प्रत्यक्ष मुख के बिना बात से स्थिति स्पष्ट हो जाना है। यानी बिन वाणी वक्ता बड़ जोगी का मतलब ये है कि मुख से बिने बोले बिना आप लोग किसी भी स्थिति को अगर स्पष्ट कर देते हैं तो वो बिन वाणी वक्ता बड़ जोगी कहलाएगा, ओके। चलिए मित्रों चलते हैं अब हम अगले गद्यांश घा नंबर पर, ठीक है ना, और यहाँ पर आपको इसे समझाते हैं अच्छे तरीके से। तो मैंने थोड़ा सा जूम कर लिया है ताकि आप सभी को अच्छे से दिखाई दे, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो घा नंबर, बात के काम भी इसी भांति अनेक देखने को मिलते हैं, देखने में आते हैं। प्रीति वैर सुख दुख घृणा श्रद्धा घृणा उत्साह अनुत्साह आदि जितनी उत्तमता और सहजता बात के द्वारा विदित तो हो सकते हैं, दूसरी रीति से वैसी सुविधा ही नहीं। घर बैठे लाखों को उसका समाचार और मुख और लेखनी से निर्गत बात ही बतला सकती है। डाक खाने अथवा तार घर के सहारे से बात की बात में चाहे जहाँ की जो बात हो जान सकते हैं। इसके अतिरिक्त बात बनती है, बात बिगड़ती है, बात आ पड़ती है, बात जाती रहती है, बात उखड़ती है। हमारे तुम्हारे भी सभी काम बात पर ही निर्भर हैं। बात ही हाथी पाइए, बात ही हाथी पाओ, बात ही से पराए और अपने पराए हो जाते हैं। मक्खी चूस उदार तथा उदार स्वल्पव्ययी, कापुरुष उद्योत्साही एवं युद्ध प्रिय शांतिशील, कुमारगी सुपथगामी अपथ
अथच सुपंथी कुराही इत्यादि बन जाते हैं। देखो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर प्रताप नारायण मिश्र जी कह रहे हैं। क्या कहते हैं कि भाई बात के भी काम इसी भांति अनेक देखने में आते हैं, यानी बात के बहुत ज़्यादा महत्व तो हमें देखने को मिलते हैं। प्रीति वैर सुख दुख, यानी एक दूसरे के प्रेम और वैर को, सुख और दुख को, श्रद्धा और घृणा को, उत्साह और हतोत्साह इत्यादि जितनी भी चीज़ें हैं, जितने उत्तम और सहजता से बात के द्वारा व्यधित यानी बात के द्वारा दर्शाए जा सकते हैं, व्यक्त किए जा सकते हैं, वैसा कोई भी दूसरा तरीका नहीं है। यानी कि दोस्तों जितना अच्छे तरीके से हम किसी के प्रेम और व्यवहार को, प्रेम और वैर को, सुख और दुख को, श्रद्धा और घृणा को, उत्साह और अनुत्साह को व्यक्त करते हैं जितना उत्तमता और सरलता से, उतना किसी दूसरे तरीके से नहीं कर सकते। ओके, घर बैठे लाखों कोस का समाचार यानी बहुत दूर का समाचार हो गया, हमारे मुख से निकली गई बातें और लेखनी से निकली गई बातें बात ही बतला सकती है। अब देखो यहाँ पर दूसरा रेखांकितन मक्खी चूस, देखो मक्खी यहाँ पर बात ही हाथी पाइए, बात ही हाथी पाओ, इसका मतलब ये है, इस मुहावरे का मतलब ये है कि बात ही हाथी पाइए यानी बात ही के प्रभाव से आप इनाम स्वरूप हाथी पा सकते हैं। अगर आप अच्छी बातें करते हैं तब आपको इनाम के रूप में हाथी मिल सकता है, और बात ही हाथी पाओ, और अगर आपके पास बात करने का ढंग नहीं है तो आप हाथी के पाँव के नीचे कुचले भी जा सकते हैं, ठीक है ना। बात ही से पराए अपने और अपने पराए हो जाते हैं। लेखक क्या कहते हैं कि बात के प्रभाव से जो पराए व्यक्ति हैं वो अपने हो जाते हैं, और जो अपने व्यक्ति हैं वो पराए हो जाते हैं, ठीक है ना। मक्खी चूस उदार हो जाते हैं, यानी कि जो कंजूस व्यक्ति हैं वो उदार हृदय वाले बन जाते हैं, तथा उदार हृदय वाले स्वल्प अव्यय यानी खर्चीले हो जाते हैं, ठीक है ना। का पुरुष युद्धोत्साही, मतलब कायर व्यक्ति युद्ध प्रिय हो जाता है, बात के प्रभाव से कायर व्यक्ति युद्ध को चाहने लगता है, तथा युद्ध प्रिय शांतिशील, यानी कि युद्ध को चाहने वाला व्यक्ति शांतिशील हो जाता है, शांति प्रिय हो जाता है बात के प्रभाव से। कुमार्गी सुपथगामी हो जाता है, यानी बुरे मार्ग पर चलने वाला अच्छे मार्ग पर चलने लगता है बात के प्रभाव से, तथा अच्छे मार्ग पर चलने वाला कुराही बन जाता है, यानी बुरे मार्ग पर चलने लगता है, किसके कारण, बात के प्रभाव से। तो इसको लिखेंगे कैसे, ठीक है ना, इसको लिखेंगे कैसे, बात ये आती है रेखांकितंश की व्याख्या। तो देखो मैं आ चुका हूँ अपनी नोट्स पर, ठीक है ना, और आपको एक एक चीज़ मैं दिखाने वाला हूँ अच्छे तरीके से। देखो सबसे पहले आपको हेडिंग डाल देना है रेखांकितंश की व्याख्या, उसके बाद प्रथम, ठीक है ना, लेखक बात के अलग अलग रूपों पर प्रकाश डालते हुए कहता है कि प्रेम वैर सुख दुख श्रद्धा घृणा उत्साह हतोत्साह इत्यादि चीज़ों की उत्तमता को बात के द्वारा जितना आसान तरीके से व्यक्त किया जा सकता है वैसा दूसरा तरीका कोई नहीं है। देश विदेश का समाचार बात और हमारे मुंह के द्वारा ही व्यक्त किया जा सकता है। अब आप लोग गद्यांश में द्वितीय रेखांकितन से यहाँ तक देख रहे हैं, ठीक है ना, मैंने यहाँ से यहाँ तक की व्याख्या बता दिया है। अब यहाँ से यहाँ तक की व्याख्या कैसे लिखेंगे, देखो द्वितीय हेडिंग डाल देंगे यानी द्वितीय रेखांकितन की व्याख्या। लेखक कहते हैं कि बात ही के प्रभाव से व्यक्ति पुरस्कार स्वरूप हाथी प्राप्त कर लेता है, तथा बात ही के प्रभाव से वह हाथी के पैरों के नीचे कुचला भी जा सकता है। बात के प्रभाव से कंजूस व्यक्ति उदार हृदय वाला बन जाता है, तथा उदार व्यक्ति खर्चीले व्यक्ति बन जाते हैं। कायर व्यक्ति युद्ध में वीर बन जाते हैं, तथा बात के प्रभाव से युद्ध प्रिय व्यक्ति शांति चाहने वाला बन जाता है। तो देख सकते हो कि भाई बात का कितना ज़्यादा इफेक्ट है। आगे देखो, बात के प्रभाव से कुमार्ग पर चलने वाला व्यक्ति सन्मार्ग पर चलने लगता है, तथा बात के प्रभाव से सन्मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति कुमार्ग पर चलने लगता है। तो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बात का। देखो लाखों कोस का समाचार कौन बतला सकता है, तो ये बात बतला सकती है, लाखों कोस का समाचार बात बतला सकता है। उसके बाद देखो पांच वाक्यों में बात का महत्व लिखिए। तो देखो हम यहाँ पर अगला क्वेश्चन डाल देंगे, चौथा बात का महत्व, ठीक है ना, और पांच सेंटेंस लिखेंगे। जैसे देखो, बात के द्वारा कोई भी भाव विदित हो सकता है, लाखों कोस का समाचार बात बतला सकती है, बात के द्वारा हम अपनी बात साझा कर सकते हैं, सभी काम बात पर ही निर्भर हैं, बात किसी भी व्यक्ति को बदल सकती है, ठीक है ना, यानी बात किसी भी व्यक्ति को अगर लग गई तो उसे बदल सकती है। बात ही हाथी पाइए, बात ही हाथी पाओ का आशय स्पष्ट करो। तो देखो इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ पर देखो, बात ही हाथी पाइए, बात ही हाथी पाओ का आशय है अच्छी बात से पुरस्कार स्वरूप हाथी की प्राप्ति हो सकती है, और बुरी बात पर हाथी के पाँव के नीचे कुचला जा सकता है। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं अब हम अगले गद्यांश पर, जो कि आप सभी को यहाँ पर दिख रहा हो, थोड़ा सा जूम करते हैं, ठीक है ना, अब आप सभी को स्पष्ट तरीके से दिख रहा होगा। देखो, बात का तत्व तो समझना हर एक का काम नहीं है, और दूसरों की समझ पर आधिपत्य जमाने
योग्य बात गढ़ सकना भी ऐसे वैसों का साध्य नहीं है। बड़े बड़े विज्ञवरों तथा महा महाकवीश्वरों के जीवन बात ही के समझने समझाने में व्यतीत हो जाते हैं। सहृदय गढ़ की बात के आनंद के आगे सारा संसार तुच्छ जचता है। बालकों की तोतली बातें, सुंदरियों की मीठी मीठी प्यारी प्यारी बातें, सतकवियों की रसीली बातें, सुवक्ताओं की ठीक ना, सुवक्ताओं की आगे क्या है देखो, हम आ चुके हैं नेक्स्ट पेज पे। सुवक्ताओं की प्रभावशालिनी बातें, जिनके जी को और का और न कर दें उसे पशु नहीं पसाड़ खंड कहना चाहिए। यानी कि दोस्तों, जिनके दिल को बात प्रभावित न कर पाए उन्हें पशु नहीं कहना चाहिए, उन्हें पत्थर का टुकड़ा कहना चाहिए। क्योंकि कुत्ता बिल्ली आदि को विशेष समझ नहीं होती तो भी पुचकार के तू तू पूसी पूसी इत्यादि बातें कह दो तो भावार्थ समझ के यथा समर्थ स्नेह प्रदर्शन करने लगते हैं। यानी कि दोस्तों, कुत्ता बिल्लियों को भी ज़्यादा समझ नहीं होती है, लेकिन अगर उन्हें तू 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 करके बुलाने लगो तो वो भी इतना समझ जाते हैं और आपसे प्रेम करने लगते हैं, ठीक है ना। फिर वह मनुष्य कैसा जिसके चित्त पर दूसरे हृदयवान की बात का असर ना हो, यानी वह व्यक्ति कैसा जिसके दिमाग पर बात का असर ना हो, उस व्यक्ति को क्या कहा जाए, पत्थर का टुकड़ा कहा जाए। तो देखो, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखो, तो संदर्भ तो रहेगा पूर्वत, ठीक है ना दोस्तों, पूर्वत रहेगा, जो पिछले वाले में बताया हूँ सेम वही आप लोग यहाँ पर नोट करके लिख लेना। देखो, रेखांकित अंश की व्याख्या, तो चलिए चलते हैं पीछे और आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर देखो, रेखांकित अंश कहाँ से कहाँ तक दिया गया है, बात का तत्व तो समझना से लेकर व्यतीत तो हो जाते हैं। यहाँ पर लेखक ये कहना चाहते हैं कि बात के अर्थ को समझाना हर एक व्यक्ति का काम नहीं है, और दूसरों की समझ पर आधिपत्य यानी अधिकार जमाने योग्य बातें गढ़ सकना, यानी दूसरों को समझ पर अधिकार जमाने योग्य बातें बनाना भी ऐसे वैसे यानी साधारण लोगों का काम नहीं है। बड़े बड़े विद्वानों तथा महान कवियों का जीवन बात के अर्थ को समझने समझाने में व्यतीत हो जाता है। अब इसको लिखेंगे कैसे, देखो, तो यहाँ पर एक ही रेखांकित अंश है, तो रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग डाल देंगे और लिख देंगे, भाई लेखक कहते हैं कि विद्वानों की बात का तात्पर्य समझ पाना प्रत्येक व्यक्ति के लिए सरल काम नहीं है, साथ ही दूसरों को प्रभावित कर सकने वाली बात भी गढ़कर कह देना साधारण मनुष्यों का काम नहीं है। संसार में बड़े बड़े ज्ञानियों एवं कवियों का जीवन बात के तात्पर्य को समझने समझाने में बीत जाता है, ऐसे आपको लिखना है। चलिए अब चलते हैं कुछ अगले क्वेश्चंस पर। रेखांकित अंश की व्याख्या मैंने आपको बता दिया, ऐसे एग्जाम में लिखना है। देखो, बालकों की बातें कैसी होती हैं, तो अभी पीछे आपने पढ़ा होगा बालकों की तोतली बातें, ठीक है ना, तो इसको कैसे लिखेंगे देखो, यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन लिख देंगे, बालकों की बातें सुंदर रमणियों की मीठी प्यारी प्यारी होती हैं और तोतली होती हैं, ऐसा भी आप लोग लिख सकते हो, बालकों की बातें तोतली होती हैं ऐसा भी लिख सकते हो। देखो, इस अवतरण में पषाढ़ खंड से क्या आशय है, पषाढ़ खंड से आशय ये है कि जिस व्यक्ति के हृदय में बातों का प्रभाव न पड़े उसे पत्थर का टुकड़ा कहना चाहिए। देखो, बालकों की तोतली बातें, सुंदरियों की प्यारी मीठी मीठी बातें, कवियों की रसीली बातें, जिनके हृदय को प्रभावित ना करें उन्हें पत्थर का टुकड़ा यानी पषाढ़ खंड कहना चाहिए। विद्वानों और कवियों का जीवन कैसे बीतता है, तो देखो भाई, विद्वानों एवं कवियों का जीवन बात ही को समझने समझाने में व्यतीत हो जाता है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। ओके, तो चलिए अब चलते हैं अगले गद्यांश पर जो कि 4 नंबर है। यहाँ पर देखो, लास्ट गद्यांश है और कई कंजूस वीडियो को अभी लाइक नहीं किए होंगे। देखो, मर्द की जबान यानी बात का उदय स्थान, मर्द की जबान और गाड़ी का पहिया चलता फिरता ही रहता है। आज जो बात है कल ही स्वार्थांधता के वश हुजूरों की मर्जी के मुआफिक दूसरी बातें हो जाने में तनिक भी विलंब की संभावना नहीं है। यद्यपि कभी कभी अवसर पड़ने पर बात के अंश का कुछ रंग ढंग परिवर्तित कर लेना नीति विरुद्ध नहीं है, पर कब जाति उपकार, देशोद्धार, प्रेम प्रचार आदि के समय, ना कि पापी पेट के लिए। यहाँ पर लेखक ये कहते हैं, देखो, पहला तो गद्यांश का संदर्भ रहेगा जो कि सेम रहेगा पिछले वालों की तरह, रेखांकित अंश की व्याख्या यहाँ से यहाँ तक है, तो चलो बताते हैं। पर लेखक ये कहते हैं कि कभी कभी अवसर पड़ने पर यानी कभी कभी अगर आवश्यकता पड़ जाए, जरूरत पड़ जाए, तो बात के अंश का कुछ रंग ढंग परिवर्तित कर लेना नीति विरुद्ध नहीं है। तो बात यानी बात को बदल लेना, ठीक ना, अगर जरूरत पड़ जाए तो बात को बदल लेना नीति विरुद्ध नहीं है यानी नियम के विरुद्ध नहीं है, परंतु हमें बात बदलना कब चाहिए, लेखक ये कहते हैं कि बात हमें कब बदलना चाहिए, जाति उपकार, देशोद्धार, प्रेम प्रचार आदि के समय, ना कि पापी पेट के लिए। लेखक कहते हैं कि बात हमें तब बदलना चाहिए जब हमारी जाति का उपकार हो, हमारे देश का उद्धार हो, ठीक है ना,
और देखो प्रेम प्रचार हो, ठीक है ना, तब हमें बात बदलने में तनिक भी देरी नहीं करनी चाहिए। समय आदि के समय, ना कि पापी पेट के लिए। पापी पेट के लिए यानी स्वार्थवश के, स्वार्थवश हमें अपने पेट पालने के लिए बात नहीं बदलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, ठीक है ना। अब इसकी व्याख्या लिखेंगे कैसे, वो चीज़ हम यहाँ पर आपको दिखाते हैं अपने नोट्स में। तो देखो सबसे पहले आपको रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग डाल देना है, फिर लिखेंगे। लेखक कहते हैं कि किसी महान उद्देश्य की पूर्ति के लिए बात के रंग ढंग या कहने का तरीका बदल लेने में किसी नियम का उल्लंघन नहीं है। ऐसा मानव जाति की भलाई के समय, देशोद्धार के समय और प्रेम प्रसंग में ही करना चाहिए। अर्थात यदि बात बदलने से मानव जाति की भलाई होती है, देश का कल्याण होता है या प्रेम प्रसंग में प्रेमी प्रेमिका का हित छिपा है तो कोई नियम विरुद्ध नहीं है, लेकिन स्वार्थ या पापी पेट को भरने के लिए कभी भी बात नहीं बदलनी चाहिए। यानी अपना स्वार्थ साधक सिद्ध करने के लिए और अपने पापी पेट को पालने के लिए हमें कभी भी बात नहीं बदलनी चाहिए। देखो लेखक ने किसे नियमों का उल्लंघन नहीं माना है, तो इसको कैसे लिखेंगे। देखो यदि बात बदलने से किसी की भलाई होती है तो यह नियम विरुद्ध नहीं है, ठीक है ना। अगर बात बदलने से किसी की भी भलाई होती है तो यह नियम विरुद्ध बिल्कुल भी नहीं है। अगला देखो, मर्द की जबान के चलते फिरते रहने से क्या तात्पर्य है, इसको देखो। मर्द की जबान चलते फिरते रहने का तात्पर्य है स्वार्थवश बात बदलने में विलंब न लगना। यानी क्या होता है, मर्द क्या होते हैं, स्वार्थ सिद्ध करने के लिए बात को बदल देते हैं, ठीक है ना। जो पहले कहे बाद में वो बदल जाती है, इसीलिए मर्द की जबान चलते फिरते रहने का मतलब ये है कि स्वार्थवश बातें बदलती रहती हैं मर्दों की, ठीक है ना। बात के ढंग का कुछ रंग ढंग परिवर्तित कर लेना किस प्रकार नीति विरुद्ध नहीं है। तो देखो जाति उपकार हो गया और देशोद्धार के लिए अवसर पड़ने पर बात के कुछ रंग ढंग को परिवर्तित कर लेना बिल्कुल भी नीति विरुद्ध नहीं है। तो यहाँ से भैया आपका चैप्टर फिनिश होता है। बहुत ही ज़्यादा मेहनत पड़ी इस वीडियो को बनाने में, उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि रोज़ाना की ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले मिलती रहे।